पहला सवाल यहां पर अमिता नांगिया जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कब तक एक बड़े वर्ग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा? हम सब ने रामायण देखी है, जो वाल्मीकि रामायण जिन्होंने पढ़ी है वो सब जानते हैं कि इस तरह के पात्र नहीं है, ये कैसा मजाक है? अमिता नांगिया, मेरे हिसाब से हम लोग हर चीज को ना कंट्रोवर्सी से जोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से पहले आप फिल्म देखिए और फिर उसके ऊपर आप जो भी कमेंट्स करने करिए। आई थिंक एक बहुत अच्छी कोशिश की है हमारे बॉलीवुड ने, एक डिफरेंट चीज को एक डिफरेंट तरीके से पेश करने के लिए, जो आज की जेनरेशन देख सके और समझ सके। मेरे को नहीं लगता कि जो लोग फिल्म देख कर आए हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, हमारे माइक आईडी पर बयान दे रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप मुझे बताइए अमित नांगिया जी, ये क्या ऐसे डायलॉग रामायण में कभी कोई स्वीकार करेगा? अमिता जी, कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, ये कैसे डायलॉग है और ऐसी भाषा जिसको हम पूरा सुनकर भी नहीं बता सकते हैं, ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है? अमिता जी, राइटर साहब, मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, थोड़े डायलॉग्स हैं, उन्हें चेंज किया जा सकता है, पर ये जो अटेम्प्ट किया है एकदम डिफरेंट रामायण आजकल की जेनरेशन को बताने के लिए, वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ, थोड़े डायलॉग्स जरूर चेंज किए जा सकते थे। अमिता नांगिया जी, नई पीढ़ी हो, पुरानी पीढ़ी हो, जो सच है, जो सत्य है, वो शाश्वत सत्य रहेगा, उसमें आपका बॉलीवुड, इनका बॉलीवुड, उनका बॉलीवुड क्या चेंज करेगा? ये अधिकार किसने दिया है आपको? आपको एक बात बताऊं, नहीं, आज की जेनरेशन को अगर हम पुराने तरीके से रामायण दिखाई जाएं तो शायद हर कोई लॉकडाउन में स्कूल कर देगा। पर अमिता जी, लॉकडाउन में पूरे देश ने इसी रामायण को देखा है जो पुरानी रामायण है, पूरे देश ने देखा है, रिकॉर्ड बना है दूरदर्शन पर। लॉकडाउन में कोई और काम नहीं था लोगों को, और मैं सोचती हूँ आप पहले देखें उसे फिल्म को जाने के। हमारे दर्शक लगातार हमारे पास सवाल भेज रहे हैं, लगातार हमारे पास सवाल भेज रहे हैं, कैसे आपकी लॉबी इसका समर्थन कर सकती है? कम से कम आप विरोध दर्ज कराइए, ऐसे डायलॉग हटवाइए। ये सीधे तौर पर भगवान श्री राम, सीता मां, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, मैं एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं समझ सकती हूँ लोगों की भावनाएं, पर मुझे ये लगता है कि हाँ, थोड़े से डायलॉग अगर चेंज कर दिए जाएं, तो आप ये नहीं कह सकते कि फिल्म को बैन करना है। क्यों बैन करना है? पहले आप देखिए, समझिए, क्योंकि एक नए तरीके से उसको। अमिता जी, दर्शक सवाल खड़े कर रहे हैं जो मूवी देख कर आ रहे हैं। मैं एक बार आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी के पास चलता हूँ। आज इन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई मांग की है इस विषय के बारे में। आचार्य मिथिलेश नंदिनी जी, आदि पुरुष के बारे में जो विवाद चल रहा है, आप तो वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस सभी का अध्ययन करते आए हैं, कथावाचक भी रहे हैं, लोगों को बताते रहे हैं, जो मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं, उनके बारे में जो ये कह रहे हैं कि दादी नानी से हम ये सुनते आए हैं, तमाम कथावाचकों का नाम ले रहे हैं, आप लोग क्या इसी भाषा में बताते हैं? धन्यवाद विशाल जी। मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म इतने के लिए भी डिजर्व नहीं करती कि हम इस पर कोई विमर्श करें, और अमिता जी ने अपने ढंग से उसकी पैरवी कर दी है। आपको यहां से प्रारंभ करना चाहिए कि इस फिल्म का नाम आदि पुरुष है और ये रामचरित दिखा रही है। कैसे ये प्रमाणित करेंगे कि आदि पुरुष कह करके दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति रामचंद्र का बोध होता है? उनके अष्टोत्तर शत नामों में, उनके हजार नामों में उन्हें आदि पुरुष कहा गया है, वह उनकी ईश्वरता को प्रमाणित करता है। दशरथ नंदन राम आदि पुरुष नहीं है, वे पुरुषोत्तम है। उनके पिता दशरथ हैं, उनके बाबा आज हैं, उनकी एक पूरी पूर्वज परंपरा है, वो आदि पुरुष कैसे होंगे? ये नामकरण गलत हुआ है। उसके बाद जो ये कहा जा रहा है कि दादी नानी से हमने ये सुना है, कथावाचक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? रामायण और श्री राम के विषय में उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए संकोच नहीं हुआ तो कम से कम दादी और नानियों का अपमान करने से बचना चाहिए था मनोज जी को। उन्होंने निहायत बेहुदा टिप्पणी की है सफाई देते हुए, और कहा है कि दादियां नानियां ऐसी ही कथाएं सुनाया करती थी। आश्चर्य होता है कि भारत की संस्कृति में हमारे यहाँ जहाँ रामायण, महाभारत, इतिहास पुराण सुनाकर बच्चों को पालने की परंपरा है, वहां दादियां नानियां तेरे बाप का तेल, तेरे बाप का कपड़ा, तेरे बाप की जलेगी, इस भाषा का प्रयोग करती थी।
और इसकी पैरवी की जा रही है कुछ डायलॉग कह करके। ये भाषा है, इनको नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ा होगा फिल्म निर्माताओं ने, सुनी है अभी। अमिता जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, पहले आचार्य मिथिलेश नंदिनी जी को बात पूरी करने। धर्म और अधर्म का विचार तो थोड़ा अभी पीछे रख दें विशाल जी, केवल कला की बात कर लें हम। फिल्म बनाने वाले लोगों को क्या कला के सिद्धांतों का भी सामान्य ज्ञान नहीं होना चाहिए? आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य शास्त्र आपने पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि किसी चरित्र का चित्रण करते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को होश में दिखा रहे हैं तो और किसी को नशे में दिखा रहे हैं तो उसके बिहेवियर में कैसे फर्क किया जाता है? भगवान श्री राम इस देश में पीढ़ियों से आस्था का केंद्र हैं, चरित्र का, मनुष्यता का, सदाचार के गुणों का प्रमाण है। उनके बारे में उनके शारीरिक चिन्हों को, उनके अंगों को, उनके चारित्रिक गुणों को, उनकी भाषा को, उनके चलने उठने बैठने बोलने को महर्षि वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने और पीढ़ियों ने प्रमाणित किया है। लेकिन कैसे परिभाषित करेंगे श्री राम? मनोज मुंशी शुक्ला कह रहे हैं जानबूझकर ऐसे डायलॉग लिखे गए कि नई पीढ़ी को कनेक्ट कर सके, मतलब पहले तो जो रोल है उनको भी गलत ढंग से पेश कर रहे हैं और इस तरह की तस्वीर दे रहे हैं। अब संस्कृति से ही कनेक्ट होती है, संस्कृतियों से उसका संबंध नहीं हो सकता क्या? नई पीढ़ी तक जाने के लिए हमको नंगे होना पड़ेगा, बेहुदे होना पड़ेगा, बर्बर होना पड़ेगा? पूरी भारतीय परंपरा में, हमारे धर्मशास्त्रों में कौन सा ऐसा चित्रकार है, कौन सा ऐसा योग्य व्यक्ति है जिसने श्री राम को दिखाते हुए उनकी दाढ़ी मूंछ दिखाई है? श्री राम के विषय में स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास 500 साल पहले रामचरित लिखते हैं तो कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, ईश्वर जब अवतार लेते हैं तो स्वच्छंदोपात देहाय, उनका शरीर उनकी इच्छा और संकल्प से होता है, पंचभूतों से प्रकट शरीर नहीं होता और इसलिए सामान्य मनुष्यों की तरह उनमें मनुष्यों जैसे दोष प्रकट नहीं होते हैं और दाढ़ी मूंछ उनको नहीं प्रकट होती है। ये उनके पौरुष में कमी नहीं करता है, ये उनके देवत्व को व्यक्त करता है, ये बताता है कि उनका शरीर काल बाधित नहीं होता है। मूंछ रखे हुए श्री राम को आप दिखा रहे हैं, मूंछ बना करके दाढ़ी रखे हुए हनुमान को आप दिखा रहे हैं, कहां से ये सब कला का विज्ञान आप लोग लेकर आए हैं, जिसकी पैरवी कर रहे हैं कि नया प्रयोग किया है उन्होंने, इसको नया प्रयोग कहते हैं? चलिए मैं मोहम्मद अली शाह से बात करता हूं, अभिनेता हमारे साथ जुड़े हुए। मोहम्मद अली शाह जी, कैसे प्रयोग है और ये प्रयोग राम के संदर्भ में, रामायण के संदर्भ में, ये कहां तक जायज है? मोहम्मद अली शाह जी, हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मेरे को बहुत फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और जब तक मैं दूसरे मजहब की इज्जत नहीं करूंगा वो भी मेरी मजहब की इज्जत नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैं राम की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं हनुमान जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं जितने भी हिंदू भगवान है सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मेरे को बाय हार्ट दुर्गा माता आरती आती है, करनी माता आरती है, भजम्बे भगवती दुर्गा महारानी, सेवक का सुधारो धब्जा बंधनियानी, आजा मोरे कंठ अम्बे बसोए भवानी, कौन समय तुझे प्रकट की नहीं, कौन समय तुझे मानी, तुलसीदास भजो भगवान सबके मन में मैया तू ही अगवानी। तो मेरे को आप, मैं दूसरे धर्मों के बारे में अच्छे से सीखा हूं, और मैं मेरा ऐसा मानना है कि जो धर्म है ये एक बहुत पर्सनल मैटर है, तो इसको हम बाहर जब डिस्प्ले करते हैं पब्लिक में आके, ये सिर्फ मेरे बीच में है और मेरे मेकर के बीच में है और मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरे भगवान जो आप बोले उनके बीच में है बस, और किसी के बीच में नहीं है। जब आप इसका आप फिल्म बनाते हैं, देखिए रामायण सागर साहब ने बड़ी अच्छी रामायण बनाई थी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही आपने कहा था सुपर हिट हुई थी, दुनिया ने देखी, और बहुत टैलेंटेड भी थे, बहुत हुनर भी थे, उनके खानदान में ही विधु विनोद चोपड़ा जैसे बड़े 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 खानदान माहिर वहां से लोग निकल के आए हैं आर्टिस्ट। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि जब आप कुछ भी आप एक रीमेक बनाते हैं सबसे पहले तो आप रिसर्च, आप तैयारी पूरी करिए। आप दूसरी बात, कहीं पे भी किसी का भी, खास तौर से मजहब का बहुत टची इशू है। Zee News.